The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hello! Hello everyone! Kaise aap log? Hi, a very good afternoon to all of you. Kaise aap log? Shubh Prabhat. Prabhat ho gaya kya kya kehte hain? Hindi mein kya kehte hain bhaiya? Afternoon ko kya kehte hain Hindi mein? Hindi mein kya kehte hain beta? Preeti, aap batao Hindi mein kya kehte hain good afternoon ko? Haan ji? Yes guys, kya kehte hain Hindi mein to batao? Afternoon ko kya kehte hain? Bhupa hai? Hain? दो बेटा दोपहर शुभ दोपहर नहीं शुभ प्रभात होता है ना तो लाइकवाइज आफ्टरनून को क्या कहते हैं हम लोग सुप्रभात इज आफ्टरनून आल्सो अबे यार हिंदी तो बहुत ही वीक है हम लोगों की है कोई बात नहीं लगाएंगे हिंदी की क्लास ही बाद में ठीक है तो यस गाइस तो पहली बात तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई है हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है आज हम कुंडापी दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे गाइस हम लोग ठीक है जिसका नाम है यस लोकोमोशन एंड मूवमेंट गाइस ठीक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इसमें गाइस आज तो हम मसल बंडल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है आज की क्लास मसल बंडल्स के बारे में होगी कितने को पता है मसल बंडल्स क्या होते हैं कितने को पता है मसल बंडल्स क्या होते हैं गाइस ये मसल बंडल्स क्या होते हैं जल्दी बताओ पढ़ा है आप लोगों ने पहले यस गाइस नहीं कोई बात नहीं तो गाइस मसल बंडल्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को पता ही है जो हमारा वंडरफुल सा चैनल है वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल गाइस जितनों ने सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब कर लो गाइस ठीक है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से ठीक है और गाइस हमारा एक अमेजिंग सा चैनल है जिसमें रोज स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जहां पे हम अपना शेड्यूल पोस्ट करते हैं ठीक है कंटेंट भी डालते हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी कंटेंट होता है गाइस बट आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिससे कि आप अपडेटेड रहोगे ठीक है समझ आया हां जी वेरी गुड गाइस वेरी गुड चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ठीक है जल्दी से खत्म करते हैं ताकि आप लोग आज बहुत सारे सेशन से मैंने देखा आप लोगों के तो जल्दी खत्म करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा और मेहनत कर सको सेल्फ स्टडी कर सको ठीक है तो यस गाइस मूविंग फॉरवर्ड हाँ तो गाइस ये जो चैप्टर है ना इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे ठीक है कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं बहुत ही छोटा सा पढ़ेंगे जैसे कि सीलियरी मूवमेंट होता है ना स्केलेटल मूवमेंट होता है और अमीबॉइड मूवमेंट होता है तीन तरह के मूवमेंट होता है ठीक है यस गाइस मेरे को पता चला कि एक किसी को टी शर्ट मिली है कॉन्ग्रेचुलेशंस है ना और टी शर्ट आपको बहुत ज्यादा सेंटी कर दी है ये भी मुझे पता चल गया ठीक है तो आपके इमोशंस को हम ध्यान में रख के टी शर्ट बांटेंगे आपसे है ना बच्चे तो मैं क्या कह रहा था हाँ जी उसके बाद गाइस हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की मसल्स होती है हमारी बॉडी में मुझे बताओ कितने टाइप्स की मसल्स होती है जल्दी बताओ कितने टाइप की मसल्स होती है गाइस बॉडी में वेरी गुड नेहा वेल डन बेटा आपको तो सब पता है बहुत अच्छे वेरी गुड तीन टाइप की होती है नाम भी बता दो यार कौन सी होती है स्केलेटल स्ट्रिएटेड है ना स्केलेटल जिसको हम स्ट्रिएटेड भी कहते हैं स्मूथ मसल्स होती है हमारी बॉडी में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और तीसरी होती है सबसे प्यारी मसल हार्ट वाली मसल हमारी ठीक है जो हमारे हार्ट को टच करती है राइट ज्यादा थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स उनके बारे में पढ़ेंगे गाइस ठीक है फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम स्केलेटल मसल के बारे में स्केलेटल मसल के बारे में क्या पढ़ेंगे हम जल्दी बताओ कि वो किस चीज की बनी होती है कैसे मैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता हूं मैं कैसे कंट्रैक्ट कर और रिलैक्स हो मैं मूव कर रहा हूं तो कैसे ये मूवमेंट हो रही है ठीक है उसके बारे में पढ़ेंगे फिर गाइस ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ज्वाइंट्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है कहां कहां ज्वाइंट्स हैं किस तरह के जॉइंट्स हैं ठीक है जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा है ना पिवट जॉइंट है यहाँ पे है ना और हमारे पास हिंज जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ठीक है यहाँ पे फिर सूचर्स हैं फाइब्रस जॉइंट्स हैं है ना तो इन सब के बारे में
पढ़ेंगे. गाइस आपको मैं ना एक ब्रॉड सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या करने वाले हैं हम चैप्टर में. फिर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिजियोलॉजी में होता है हम करेंगे, भैया डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं मस्कुलर सिस्टम के, और जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं. मैंने बताया था डिसऑर्डर्स हर चैप्टर का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है. ठीक है गाइस, तो ये है हमारा चैप्टर का लेआउट. ठीक है गाइस, पूरा चैप्टर में बस ये छोटी सी चीजें पढ़ेंगे हम. राइट, वेरी गुड वेरी गुड, है ना. चलो गाइस ये हो गया, जीत गए टी शर्ट, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, मूव अहेड, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ जी ठीक है. ओ माय गॉड, रचना इज लाइक द मीडिया टेलीकास्ट करे बड़े बेटा, कोई बात नहीं, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सोनम फॉर योर टी शर्ट, है ना. अब एवरीवन चलो अब फोकस करो, थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते, ठीक है, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड. या तो आई वॉज टेलिंग यू कि भैया हमारे मूवमेंट्स होते हैं तीन तरह के, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर. ये बता दो यार अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, किसी को पता है अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है गाइस? अमीबा की तरह मूव करना, जैसे कि सूडोपोडिया, आपको पता है ना गाइस अमीबा कैसे मूव करता है. अमीबा यहां पे है, ठीक है, अमीबा ने एक फूड पार्टिकल देखा, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने आर्म्स को एक्सटेंड करता है और फूड पार्टिकल की तरफ मूव करता है ना. और एंड तक क्या करता है गाइस, अमीबा फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर देता है, ऐसे ही होता है ना कुछ अमीबा. इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया. याद है कुछ सूडोपोडिया वोडोपोडिया कुछ याद है थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ जी थोड़ा बहुत. यस गाइस, तो क्या करता है अमीबा, अपने सेल मेम्ब्रेन को ऐसे फैलाता है और फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गाइस सूडोपोडिया. और अमीबा बेसिकली सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है. राइट गाइस, है ना, एग्जैक्टली पॉलनी कह रही है सर, सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं. एग्जैक्टली उसको फॉल्स फीट भी कहते हैं, है ना बेटा, वेरी गुड. तो सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट, ऐसी ही मूवमेंट हमारी बॉडी में कुछ सेल्स एग्जिबिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा WBCs होते हैं ना हमारे, WBCs फंक्शन क्या होता है WBCs का गाइस, WBCs का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ WBC का फंक्शन क्या होता है. एग्जैक्टली सुनील कह रहे सर मैक्रोफेजेस होते हैं, हाँ जी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वेरी गुड. फंक्शन क्या होता है बेटा उनका, उनका फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. WBC क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. अब WBC भी बहुत टाइप के होते हैं, WBC भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं ताकि वो पैथोजन को मार सके, उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है. कुछ क्या करते हैं, कुछ जो फॉरेन पार्टिकल और जो पैथोजन आया है उसको खा जाते हैं, उसको एंगल्फ कर जाते हैं अमीबा की तरह, समझ आ रही है. तो वो कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, समझ आया गाइस ये वाली बात. अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करते हैं, WBCs हमारी बॉडी के, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं उनको, और मैक्रोफेजेस इज अ टाइप ऑफ WBC जो कि एग्जिबिट करता है अमीबॉइड मूवमेंट. गाइस ये बस थोड़ा बहुत एक दो लाइन NCERT में दे रखी थी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है. दूसरा गाइस मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि मेरी मसल्स मूव होती है, मैं वॉक करता हूं, इट्स अ मस्कुलर मूवमेंट, है ना, मैं अपनी जॉ मूव कर रहा हूं, इट्स अ मस्कुलर मूवमेंट, मेरी टंग मूव कर रही है, जंक मस्कुलर मूवमेंट, ये सब मस्कुलर मूवमेंट्स हैं. अब गाइस एक और होती है सीलियरी मूवमेंट, ये कहां होती है कौन बताएगा, किसी को पता है सीलियरी मूवमेंट कहां होती है? यस गाइस सीलियरी मूवमेंट कहां होती है? स्वीटी बेटा हमारे में ह्यूमंस में कहां होती है, पैरामीशियम में तो होती है, वो हटाओ, ह्यूमंस में कहां होती है? वेरी गुड, सुनील कह रहा है कि सर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, वेरी गुड बेटा, फेलोपियन ट्यूब में होती है, और कहां होती है, हमारे ट्रकिया में होती है, हमारे ट्रकिया में होती है, ठीक है, हमारे व्हाट एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जहां पे चीजों को मूव करना होता है. सीलिया मतलब गाइस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. सीलिया क्या, ये मान लो हमारा सेल है तो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं. वो क्या कहते हैं, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में एग आ गया, एग को मूव करते हैं फेलोपियन ट्यूब में. और अगर मेरे ट्रकिया में कोई
डस्ट चला गया उसको बाहर थ्रो करने के लिए ये हेल्प करते हैं सीलिया, सीलियरी मूवमेंट. वेरी गुड. ये तो बहुत ही इजी था, ये तो कुछ था ही नहीं, है ना गाइस. ये बस एक दो लाइन दे रखी थी तो आई जस्ट थॉट कि आपको बता दें. इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको क्या क्या होता है. अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, है ना, WBCs. दे फॉर्म सूडोपोडिया. व्हाट आर सूडोपोडिया? द फॉल्स फीट्स. वेरी गुड. मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है गाइस? लिम्स में, जॉज में, टंग में, जॉ. लिम्ब मतलब हाथ होते हैं, ठीक है, हाथ और पैर लिम्स कहते हैं, है ना. कॉन्ट्रैक्टाइल मसल. कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. और बेसिकली दे कैन प्रोड्यूस फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड. आपको सर ये क्या मतलब है? बेसिकली बेटा वो कुछ कितना भी वेट हो उतना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सीलियरी जैसे मैंने आपको बताया था कहां पे होती हैं? इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होते हैं. मेरे जो भी इंटरनल ट्यूब लाइक ऑर्गन है, ट्यूब वाले ऑर्गन है, जैसे कि मेरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, है ना, ट्रकिया हो गया, ये कैसे ट्यूब से स्ट्रक्चर है ना बेटा. ट्यूब होती है ना, ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है. आगे चलते हैं. सीलिएटेड एपिथीलियम होती है इनमें. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सीलिएटेड एपिथीलियम ऐसे 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 खड़े हैं यहाँ पे, मतलब इतने बड़े नहीं होते, जस्ट फॉर यू नो अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. ट्रकिया में क्या करते हैं बेटा? ट्रकिया में होते हैं डस्ट को रिमूव करते हैं. फेलोपियन ट्यूब में होते हैं ओवा को मूव करते हैं. बेटा पता है ना फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? सबको पता है फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? इट इज द पास पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फेलोपियन ट्यूब क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. बेटा आपकी आपकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं बस अपनी तरफ से क्लियर आ रहा हूं कि सब कुछ बता दूं. एक भी वर्ड ऐसा लाओ कि जो आपको ना पता हो, ठीक है. तो यस गाइस, तो वेरी गुड. हमारे फ्रेंड कहते हैं स्वप्निल सर इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को. वेरी गुड बेटा, याद ओविडक्ट कहते हैं जरूर उसको, है ना. तो वेरी गुड यार. अब ये है मसल्स, है ना. अब हम ना मसल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. अब हम मसल के बारे में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में, ठीक है. अब ये ना जो मसल है गाइस, ये 40-50% ऑफ मेरी बॉडी का वेट बनाते हैं. मेरी बॉडी का वेट 40-50% बनाते हैं, ठीक है. और मैं कहता हूं कि ये ना मीसोडर्मल है ओरिजिन में. ओके, मैंने कहा ये मीसोडर्मल ओरिजिन है. यार मेरे को बताएगा कोई मीसोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मीसोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मोहम्मद कहते हैं सर मिडल लेयर. वेरी गुड बेटा, मिडल लेयर ऑफ व्हाट? मिडल लेयर ऑफ व्हाट? हाँ जी, मिडल लेयर ऑफ व्हाट? पॉलनी कह रही है सर सिलोम. सिलोम क्या है बेटा? हाँ जी मैं बताता हूं आपको बेटा. देखो देखो, आपको पता है जाइगोट क्या होता है? आप लोगों को पता है जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. मतलब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है. आई वॉज अ जाइगोट वंस, मतलब मैं एक सेल था. इमेजिन कर रहे हो, मैं एक सेल था. अभी मैं कितना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हूं. तो मैं जाइगोट था, आप लोग भी जाइगोट थे, आप लोग भी एक सेल थे. वंस अपॉन अ व्हाइल, है ना, वंस अपॉन अ टाइम यू आर ऑल वन सेल, यू आर ऑल जाइगोट. फिर अभी जाइगोट को क्या हुआ बेटा? अब जो मैं वन सेल था तो इसको क्या हुआ? ये हुआ टू सेल, ये हुआ फिर फोर सेल, फोर से फिर ये हो गया एट सेल, एट से फिर ये हो गया 16 सेल, और ये बन गया बॉल ऑफ सेल्स. समझ आया? समझ आई गाइस, है ना. जब ये बॉल ऑफ सेल्स बना, जब ये बॉल ऑफ सेल्स बना तो पहले तो जाइगोट था. अब इसको हम क्या कहने लगेंगे? इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो. अब यार फीटस किसको कहते हैं? फिर ये एम्ब्रियो हो गया बॉल ऑफ सेल्स, तो फीटस क्या था? फीटस क्या होता है? फीटस क्या होता है? हां जी, फीटस क्या होता है बेटा? जब ये बॉल ऑफ सेल्स ऑर्गन्स ऑर्गन्स निकल आते हैं इसमें से, जब बॉल ऑफ सेल्स में से ऑर्गन्स निकल आते हैं तो हम इसको फीटस कहने लगते हैं, ठीक है. व्हेन जब बॉल ऑफ सेल्स होता है तो एम्ब्रियो होता है, और जैसे ही इसमें ऑर्गन्स बनने लगते हैं, जैसे कि हार्ट बन गया या फिर फैरिंग्स बन गया, तो हम इसको क्या कहने लगते हैं? फीटस. गाइस समझ आया तीनों में डिफरेंस? जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में.
ठीक है, वेरी गुड, हमें समझ आ गया। बट सर अब ये मीसोडर्म कहां गया, यहां पे मीसोडर्म कहां चला गया, मैं बताता हूं। देखो गाइस, जब ये बॉल ऑफ सेल्स बनता है ना, जब ये बॉल ऑफ सेल्स बनता है ना, तो क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। ये सेल्स अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, जल्दी बता दो, इसको कहते हैं एक्टोडर्म बन गया, ठीक है। फिर जो मिडल वाला लेयर होता है, इसको क्या कहते हैं हम, मीसोडर्म। और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। गाइस समझ आई, एम्ब्रियो बन, जाइगोट बना, तो जो जाइगोट था वो पहले दो सेल, तीन सेल, सॉरी तीन तो नहीं बनता, दो चार आठ चौदह है ना, दो चार आठ सोलह बत्तीस है ना, तो 64 ये सेल इंक्रीज होते गया। जब ये सेल्स बढ़ रहे थे तो ये सेल्स क्या करते थे, अपने आपको लेयर्स में अरेंज कर लिया। तो इनका ये लेयर्स में अरेंज क्यों होते हैं, मेरे को ये बताओ, ये सेल्स लेयर्स में अरेंज क्यों होते हैं, यस गाइस जल्दी बताओ, एग्जैक्टली सेल्स लेयर्स में अरेंज क्यों होते हैं, ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स बना सके। फॉर एग्जांपल गाइस, आप लोग मेरे को तीन कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स मान लो, लाइक यू कैन इमेजिन मी टू बी हैविंग थ्री कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। अब ये कैसे होगा, देखो, अब मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन एक्टोडर्म से बनी हुई है, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट सिलेंडर है मेरी बॉडी का, वो किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा प्लेयर जो मीसोडर्म है, जो मेरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेरा मसल्स, मेरे मसल्स अंदर वाली लेयर, मेरे स्किन के अंदर वाली लेयर मेरी मसल्स है, वो किससे बनी हुई है, मीसोडर्म से बनी हुई है। एंडोडर्म जो अंदर वाली इंटरनल ऑर्गन्स है मेरे, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, आई कैन से एंडोडर्म से बने हुए हैं, समवॉट लाइक दैट, बट मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि एक्टोडर्म से मेरे ब्रेन न्यूरॉन्स भी बने होते हैं, ठीक है, एक्टोडर्म से मेरे न्यूरॉन भी बने होते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग सेल्स अरेंज क्यों होते हैं ऐसे, ताकि ऑर्गन्स बन सके। मतलब होता है ना कि एक घर बना रहा है कोई, तो एक 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 सेट ऑफ सेल्स बाहर की बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब बाउंड्री बना रहे हैं, दूसरे सेट ऑफ सेल्स बाहर का मतलब यू नो वॉल्स बना रहे हैं बड़ी वाली, और तीसरे सेट ऑफ सेल्स अंदर के ऑर्गन्स बना रहे हैं, मतलब किचन बना रहे हैं, बेडरूम बना रहे हैं, लाइक दैट। गाइस समझ आया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, जनरली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ये क्लासिफिकेशन जब चैप्टर करते हैं ना तब हम करते हैं, बट ये टर्म आ गया था तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, समझ आई गाइस, है ना, वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, तो सब समझ आ गया गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड, है ना, यप, वेरी गुड। तो हमने कहा कि भैया हमारे जो मसल्स हैं, दे आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब किस लेयर ऑफ सेल से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ मीसोडर्मल सेल्स, वेरी गुड, और 40-50% मेरी बॉडी का वेट बनाते हैं, वेरी गुड, है तो समझ आ गया। देन गाइस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, चार प्रॉपर्टीज होती है, ये तो जब आप बोर्ड के एग्जाम लिखते हो तो डायरेक्टली आते हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली होती है एक्साइटेबिलिटी, मतलब एक्साइट हो जाते हैं, मतलब वो स्टिमुलाई जैसे ही आता है वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स वो फोर्स जनरेट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, कितना भी आप लोड लगा दो वो फोर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये उठाना है तो मैं थोड़ा सा फोर्स जनरेट होगा, और मेरे को कोई डंबल उठाना है तो बहुत ज्यादा वेट यू नो फोर्स जनरेट करना होगा मेरे को, समझ आई। देन थर्ड इज गाइस एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब दे कैन बी स्ट्रेच्ड, वो स्ट्रेच्ड हो सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं हम उनको, ठीक है। और इलास्टिसिटी, मतलब मैंने जब स्ट्रेच करा उसको वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं, आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब दे कैन बी स्ट्रेच्ड, इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच होने के बाद है ना वो वापस आ सकते हैं। यस आदित्य, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा, या वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कूल। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो हमने देखा कि अब हमारे जो मसल्स है जो ना बेटा, ये तीन तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये तीन तरह के होते हैं। जैसे कि पहला है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या होता है जल्दी बताओ, जैसे कि नाम बता रहा है
क्लोज टू द स्केलेटन, मतलब मेरे जो बोन्स के बहुत ही क्लोज हो वो है स्केलेटल मसल. वेरी गुड. है ना बेटा, विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स. विसरल, इस एरिया को हम विसेरा कहते हैं ना. अगर आपको पता है जो, अगर इफ यू कट माई यू नो ओपन माई चेस्ट, दिस एरिया इज कॉल्ड एज विसेरा. विसेरा मतलब जहां पे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो गए, मेरी स्टमक हो गई, मेरी ट्रकिया हो गई. है ना बेटा, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे है हमारा विसरल मसल. बेसिकली विसरल मसल भी प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल भी कहते हैं इनको. हमारे फ्रेंड प्रीति कह रही है सर इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. हाँ प्रीति, इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. है ना. और स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स. है ना. और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, हमारे वॉलंटरी होते हैं. जबकि मैं अपने स्टमक की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी ट्रकिया की मसल को कंट्रोल नहीं कर सकता. हाँ बाबा रामदेव डज दैट, हैव यू सीन, जो अपनी स्टमक को हिलाते हैं ऐसे ऐसे. तो गाइस, तो विसरल मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. दे आर यू नो नॉट इनवॉलेंट्री, दे आर इनवॉलेंट्री. कूल. सिमिलरली गाइस, कार्डियक मसल को आप देखोगे, एज अ नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल एज अ नेम सजेस्ट कहां पे होगा, हमारा फेवरेट हार्ट. कार्डियक मसल कहां पे होगा, हमारे फेवरेट हार्ट में होगा. ठीक है, हार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, कैन यू कंट्रोल योर हार्ट, ऑब्वियसली नॉट राइट. है ना, इधर उधर कहीं भी चले जाता है. यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट मसल्स ऑल्सो. गुड गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जैक्टली, जैसे कि मैं बता रहा था, स्केलेटल मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटन और स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है. स्ट्राइप्ड मतलब गाइस, अगर आप देखोगे ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं. कैन यू सी, बहुत सारे सेल्स न्यूक्लियस एक ही सेल्स में होते हैं. वेरी गुड. स्ट्रिएटेड देख लिया, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देख लिया. गाइस ये क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं. वॉलंटरी मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने आर्म्स को. है ना, आई कैन कंट्रोल माय लेग्स, आई कैन कंट्रोल माय नेक. है ना, मेरे को इधर देखना है, मेरे को उधर देखना है. है ना, मुझे हर जगह देखना है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं. देन गाइस, लोकोमोटरी एक्शन. लोकोमोटरी एक्शन मतलब मैं मूव कर रहा हूं. है ना, तो मैं मूव कर सकता हूं. देन चेंजेस इन द बॉडी पॉस्चर. है ना, मैं कई बार बैठ जाता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं. है ना, मैं सो जाता हूं. तो इट्स व्हाट हेल्प्स मी, स्केलेटल मसल हेल्प्स मी. वैसे ये बहुत ही बेसिक है, ये हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब करेंगे तब भी करेंगे. है ना, वेरी गुड. अब देख लो तू गाइस, दूसरा वाला जो हमारा विसरल मसल था. है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहां पे क्या, ये इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल देम. है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में. है ना, आप देख रहे हो यहां पे वैसी डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, या इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स. मैंने बताया ना, विसरल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं गाइस, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो यहां पे. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया. है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इसमें होते हैं गाइस. स्ट्रिएशंस नहीं होती, इसलिए वो बहुत ही स्मूथ दिखते हैं. कैसे दिखते हैं, बहुत ही स्मूथ दिखते हैं, तो इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. है ना, दे आर नॉन स्ट्रिएटेड. आर यू टू अंडरस्टैंड, है ना, वेरी गुड वेरी गुड. तो और ये काम फंक्शन क्या रहता है गाइस इनका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं तो इट हैज टू गो थ्रू माई फूड पाइप. बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे कैसे जाएगा, दे अंडरगो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. उसको कहते क्या है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं गाइस, जल्दी बताओ. हां जी, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ माई एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस. यह सब पता आपको, खुशी, वेल डन सोनम, कायनाथ, वेरी गुड. वी हैव कायनाथ इन द क्लास, वेरी गुड गाइस. सो टॉकिंग अबाउट गैमीट्स इन द जेनिटल ट्रैक्ट, गैमीट्स भी मूव करते हैं, हमने देखा था. है ना, गैमीट्स भी मूव करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, हमने देखा था. तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू नो विसरल मसल. है ना बच्चे, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा स्केलेटल मसल है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे विसरल मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. स्केलेटल मसल्स क्रिएटेड हैं, स्ट्राइप्स हैं, और जो विसरल मसल्स हैं वो बहुत ही स्मूथ हैं, उनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं है. कूल, इतना समझ आ गया गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड टिल हियर. अगर आपको यहां तक समझ आया लाइक हिट करो.
दूसरा अब हार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट में क्या होता है गाइस, ठीक है, हार्ट ब्रांच होता है, मसल ऑफ द हार्ट है ना, कार्डियक मसल इज मसल ऑफ द हार्ट, ऑब्वियसली ये ब्रांच होती है, आपको देख रहे हो यहां पे, देख रहे हो यहां से ब्रांच हो रही है ना, यहां से इस पे ज्वाइन हो रही है, इससे ज्वाइन हो रही है, तो दीज आर ब्रांच्ड मसल, मतलब ब्रांचिंग होती है गाइस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल, है ना, स्ट्रिएटेड होती है, हाँ ये स्ट्रिएटेड होती है बट कंट्रोल में नहीं होती, इनमें ब्लैक ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होता है बट ये कंट्रोल में नहीं होती, ओके वेरी गुड, ये भी इनवॉलंटरी होती है जैसे कि हमने डिस्कस करा था, है ना गाइस, समझ आ गया, आगे चलें, हाँ यस लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, या वेरी गुड। अब ना मसल, अब मसल फाइबर्स देखते हैं, मसल के अंदर कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है, ओके नाउ गाइस व्हेन यू सी, ओके नाउ आप जब एक मसल को देखोगे ना, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, जब आप एक मसल को देखोगे ना गाइस, आपने एक मसल ली, ठीक है, अपना मसल बंडल और मसल फाइबर के देखते हैं, हमने समझ लिया कि कितनी तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे मसल के अंदर क्या होता है, आर वी गुड, नाउ वी आर गोना सी कि मसल के अंदर क्या होता है, देखें, हां जी हाँ गाइस, देखें अभी कि मसल के अंदर क्या होता है, हाँ विनोद वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जरूर करो पहले उसको, वेरी गुड, सार्कोमियर कह रहे हैं, मायोसिन बैंड, फैसिकल्स, बेटा ये सब तो ठीक है, ऑर्डर में थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो ये मान लो मेरा मसल है, मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, जैसे कि यहां पे मेरा मसल है, इसके अंदर क्या होते हैं गाइस, मसल बंडल्स होते हैं, इन मसल बंडल्स को क्या कहते हैं, ये मान लो मेरा मसल है, से दिस इज माई मसल, है ना, इसके अंदर मसल के बंडल्स हैं, इन बंडल्स को क्या कहते हैं गाइस, इन बंडल्स को कहते हैं फैसिकल्स, वेरी गुड, है ना, मसल बंडल्स और फैसिकल्स, वेरी गुड यार, अब ये फैसिकल्स के अंदर क्या होता है, है ना, फैसिकल्स के अंदर क्या होता है, फैसिकल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स, इसके अंदर होते हैं हमारे मसल फाइबर्स, इसके अंदर होते हैं हमारे मसल फाइबर्स, वेरी गुड यार, इतना तो मैं समझ आ गया, ठीक है, अब गाइस इसमें ना थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, अपना एक और टर्म दिया हुआ है फासिया, नाउ क्या होता है, ये जो रीजन है जो मसल, यहां पे कुछ भी नहीं है बट यहां पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि ये मसल बंडल्स को साथ में होल्ड करती है, एक टिश्यू होती है जो कि मसल बंडल को साथ में होल्ड करती है, नेहा चौधरी ने बता दिया कि ये सर ये तो फैसिया होती है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी फैसिया, ये होती है हमारी फैसिया, राइट, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ लो, मसल है हमारी, मसल के अंदर बंडल्स है, बंडल्स को क्या कह रहे हैं हम, फैसिकल्स, मसल बंडल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स है, ठीक है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू बाहर लगी हुई है ये कौन सी है, इसको कहते हैं हम फासिया, इट इज कॉल्ड एज फासिया, वेरी गुड, है ना, यहां तक समझ आ गया, बहुत अच्छे यार, अब गाइस एक छोटी मोटी चीज होती है बता देता हूं कि यहां पे ना ये जो कवरिंग होती है मसल की, ये मसल की जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एक्टोमाइसियम, ये बहुत ही ईजी है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बट ईजी है इसलिए कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये एक्टोमाइसियम हो गया, है ना, फैसिकल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं हम पेरीमाइसियम, है ना, पेरीमाइसियम, और ये जो मसल फाइबर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एंडो गाइज, आप लोग पेन पेपर लेके बैठते हो ना कि ऐसे ही मूवी देखने आ जाते हो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठते हो ना गाइज, एवरीवन
हाँ जी बेटा, ये ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड बेटा. या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट स्क्रीनशॉट बेटा उसमें मतलब मजा नहीं आता, उसमें आपको याद नहीं होगा. अगर आप खुद से ड्रॉ करोगे तो वो आपको याद रहेगा. समझ आ गई? तो सबसे बाहर वाली क्या थी? एक्टोमाइसियम है ना, फैसिकल के ऊपर पेरिमाइसियम, और सबसे अंदर एंडोमाइसियम. वेरी गुड, वेरी गुड. अब क्या करेंगे गाइस? अब ना हम ना इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे. नाउ आई एम गोना पुल अ मसल फाइबर. मसल फाइबर पढ़ी है? अब हम और अंदर जाएंगे मसल्स के अपने. अब हम क्या करेंगे? मसल्स के और अंदर जाएंगे, ठीक है? समझ आ रही है? तो वेरी गुड. अब देखते हैं मसल्स के अंदर क्या होता है. जो मसल्स होती है ना गाइस, उसको देखोगे तो वो ऐसे दिखती है. ये हमारी मसल होगी, ठीक है? मसल के अंदर क्या होता है गाइस? मसल के अंदर छोटी छोटी मायोफाइब्रिल्स होती हैं. मसल के अंदर और भी ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स, है ना? वेरी गुड. तो अब गाइस ये जो मसल है इसकी कवरिंग को हम कहते हैं सार्कोलेमा. जो मसल फाइबर है उसके ऊपर एंडोमाइसियम तो है. अगर आप एंडोमाइसियम को हटा देते हो देन व्हाट डू आई गेट? व्हाट डू आई गेट? आई गेट सार्कोलेमा. सार्कोलेमा हो गया जो अंदर इसके साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम? सार्कोप्लाज्म. मतलब सब कुछ सार्को सार्को हो जाएगा यहां पे. आई वुड अंडरस्टैंड. जब भी हम मसल के बारे में बात करेंगे, मसल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है गाइस, है ना? मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? सार्कोलेमा. मसल की साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं हम? सार्कोप्लाज्म. अब मेरे को बता दो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे हम? यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे हम? सार्को लगा दो आगे. हाँ जी गाइस, इसकी सार्को इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली सुनील कह रहे हैं कि सर इसको तो हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. यहां पे क्या है हमारे पास गाइस? वी हैव, लेट मी राइट इट ओवर हियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमारे पास आ गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें गाइस कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं. इसमें क्या रहते हैं? कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं. ये क्या है हमारा? कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है. वाह यार, वो तो बहुत बढ़िया बात हो गई, है ना? वेरी गुड. अब और कुछ, और कुछ इसमें है ना? अब थोड़ा आगे देखते हैं गाइस. यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ना स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड एज मायोग्लोबिन्स. यहां पे मायोग्लोबिन्स रेडिश कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, ठीक है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करते हैं इसमें फाइबर्स में, है ना बेटा? वेरी गुड. आपको पता है तो यहां पे क्या होते हैं हमारे मायोग्लोबिन. ये मायोग्लोबिन क्या करते हैं? स्टोर ऑक्सीजन, है ना? और यहां पे मायोग्लाइकोजन भी होते हैं. क्या होते हैं? मायोग्लाइकोजन. मायोग्लाइकोजन क्या करते हैं यहां पे? यस गाइस, ग्लूकोज स्टोर करते हैं, ठीक है? मायोग्लाइकोजन यहां पे ग्लूकोज स्टोर करते हैं. वेरी गुड. इतना में समझ आ गया, थोड़ा आगे चले. अब हम इसके फर्दर अंदर जाएंगे. अब हम ये मायोफाइब्रिल के अंदर तक जाएंगे. ये समझ आ रही है? अब हम इसके और मायोफाइबर के अंदर जाएंगे. देखें, आई नो राइट, मुझे भी लगा कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, है ना गाइस? वेरी गुड. चलो या हमें इतना समझ आ गया, है ना? नाउ गाइस मूविंग फॉरवर्ड. अब हमने देखा था कि अब ये जो फाइबर है हमारा, मसल फाइबर जो हमारा मायोफाइबर है उसमें गाइस यस ओके. तो हां जी, तो इसमें हमने देखा कि यार
डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, ठीक है। तो इसकी जो मसल फाइबर है, इसकी जो मसल फाइबर है, एक फंक्शनल यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर। अभी सार्कोमियर क्या है बेटा? एक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर हमने देखा ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, ठीक है। उसकी एक यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। ये हमारी एक और सार्कोमियर होगी, ये हमारी एक और सार्कोमियर हो गई। अब क्या हुआ गाइस, जो मैंने देखा था कि सर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, वो किसकी वजह से है? मसल फाइबर में ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, हमें पता चला, ठीक है। हमने पता चला क्यों है, तो हमने कहा माइक्रो फाइब्रिल्स है उसके अंदर। तो माइक्रो फाइब्रिल्स कौन सी वाली माइक्रो फाइब्रिल्स है जो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड कर रही है? वेरी गुड, किसने बताया मुझे? आतिया, वेरी गुड बेटा आतिया, एग्जैक्टली। क्या क्या है हमारे यहां पे? इसमें गाइस दो तरह के फाइबर्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरह के फाइबर आ गए। एक्टिन, एक्टिन को हम कहते हैं ये है थिन फाइबर हमारी, ये है थिन फाइबर, और मायोसिन है हमारी थिक फाइबर। एक्टिन हमारी थिन फाइबर है और मायोसिन हमारी थिक फाइबर है। गाइस अब ये पता है क्या है, ये जो एक्टिन और मायोसिन की जो मायोफाइब्रिल है ना, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है। ये सार्कोमियर में ऐसे ही रैंडमली नहीं पड़ी हुई, ये एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है, एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है, एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से फैशन में अरेंज है। समझ आया गाइस? और की बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से जा रहा है सर के। हाँ जी बेटा, सब देखेंगे, Z लाइन, H लाइन, M लाइन, H जोन, Z जोन सब देखेंगे। गाइस समझ आया है ना? जल्दी बताओ, हिट द लाइक बटन गाइस, अगर आप समझ पा रहे हो तो, है ना, हिट द लाइक बटन। यस गाइस, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ वी आर गोना सी कि एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अरेंज है वहां पे, ठीक है बेटा। डॉक्टर नेहा, आपको समझ आ रही है? वेरी गुड, अब देखते हैं गाइस होता क्या है। ये तो जो एक्टिन है वो यहां पे ऐसे मान लो, ये एक्टिन है हमारी, ठीक है, ये एक्टिन। नाउ द एक्टिन इज हेल्ड एट इट्स पोजीशन। अब एक्टिन हवा में तो ऐसे खड़ी नहीं होगी, एक्टिन हवा में तो खड़ी नहीं होगी, तो एक लाइन है जो इसको अपनी जगह पे रोक के रखती है, जो कि बीच में से जाती है ना बेटा? प्रीति, आर यू टू अंडरस्टैंड? एक लाइन है जो कि इनके बीच में से जाती है, इसको हम कहते हैं जेड लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? जेड लाइन। इतना समझ आ गया? जो हमारी एक्टिन है उसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं सर, है ना, और मायोसिन को थिक कहते हैं। जो एक्टिन है उसके बीच में से एक जेड लाइन जाती है, ठीक है, वेरी गुड। अब गाइस मायोसिन जो है ये यहां पे प्रेजेंट होती है, मायोसिन थोड़ा सा एक्टिन को ओवरलैप करती है और यहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो मायोसिन है वो भी ऐसे हवा में नहीं खड़ी, यहां पे भी देयर इज अ लाइन और इसे व्हिच इज कॉल्ड एज, यस गाइस, एम लाइन, जो कि उसको होल्ड करके रखा हुआ है। इतना समझ आ गया है ना बेटा? और ये जो दो जेड लाइन के बीच में स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या था बेटा? एक फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, जो मेरे मसल है, मसल की फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर। गाइस समझ आया इतना? वेरी गुड, वेरी गुड यार, बच्चों के जैसा खेल है, आई नो राइट, कोई बात नहीं, इतना में समझ आ गया गाइस, है ना। अब ना बहुत सारे जोन्स होते हैं यहाँ पे, अब वो थोड़ा देख लेते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़े जोन्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे थोड़े जोन्स होते हैं, ठीक है गाइस। अब होता है क्या है, यस गाइस,
एग्जैक्टली है ना. नाउ गाइस ये जो जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन है इसको हम कहते हैं एच जोन. जहां पे सिर्फ मायोसिन है वो कौन सा जोन है? एच जोन. गाइस आर यू टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड है ना. वो है एच जोन जहां पे मायोसिन ओवरलैप कर रहा है एक्टिन तक और मायोसिन इंक्लूडिंग मायोसिन. ये कौन सा जोन है गाइस? इसे हम कहते हैं ए बैंड. इसे हम कहते हैं ए बैंड. यस गाइस समझ आया? ए जोन और द ए बैंड राइट. इट इज कॉल्ड एज. अब ये जो स्पेस है यहां पे दूसरा सार्कोम यह स्टार्ट हो जाएगा गाइस है ना. दूसरा सार्कोम स्टार्ट हो जाएगा. अब ये जो स्पेस है इफ यू कैन सी यहां पे सिर्फ एक्टिन है. इसको हम कहते हैं आई बैंड और द आइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड और द एन आइसोट्रोपिक बैंड. कैसे समझ आया इतना? यस बेटा प्रीति यू आर राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड. गुड डूड समझ आया? यस एवरीवन. यस वेरी गुड. अब इसमें क्या होता है गाइस? अब आप देखोगे एक सार्कोमियर में जो हमारा एक सार्कोमियर है फ्रॉम हियर टिल हियर क्या क्या प्रेजेंट है? यस गाइस एक सार्कोमियर में क्या क्या प्रेजेंट है? एक सार्कोमियर में कहने से हाफ एक्टिन, वन फुल मायोसिन एंड अगेन हाफ एक्टिन ओवर हियर. यस गाइस डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस हाफ एक्टिन वन मायोसिन एंड हाफ एक्टिन अगेन ओवर देयर राइट. वेरी गुड है ना गाइस. चल अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है, ये एक्टिवेट कैसे होता है. सो एज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? आई नो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आई जस्ट रिपीट इट अगेन. आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? नहीं लिया? ओके. तो गाइस ये हमारा मसल फाइबर है ठीक है. यहां पे हमारी एक्टिन है. एक्टिन आ गई ठीक है. एक्टिन किससे हेल्ड है? बीच में यहां पे हमारी जेड लाइन आ गई. यहां पे अगेन हमारी जेड लाइन आ गई. देन ये है मायोसिन. यहां पे क्या है हमारे पास? मायोसिन है ठीक है. मायोसिन अपनी जगह पे कैसे रुकी हुई है? बिकॉज ऑफ एम लाइन. समझ आ गया? द स्पेस बिटवीन टू लाइन इज टू जेड लाइन इज सार्कोमियर. द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमियर. जहां पे सिर्फ मायोसिन है ये होती है एच जोन. जहां पे सिर्फ मायोसिन है वो कौन सी जोन है गाइस? एच जोन. यहां पे देखोगे आप मायोसिन थोड़ा सा एक्टिन की स्पेस में जा रही है. अगर आप देखोगे ये वाला रीजन जो है यहां पे जो मायोसिन है ये देखोगे यहां पे मायोसिन क्या कर रही है? एक्टिन की स्पेस में एंटर कर रही है. यहां पे तो एच जोन प्लस दिस स्पेस इज कॉल्ड एज यस गाइस इट इज कॉल्ड एज ए बैंड है ना. दिस रीजन इज कॉल्ड एज ए बैंड. और जहां पे सिर्फ एक्टिन है अगर आप देखोगे यहां पे इस रीजन में बस एक्टिन है. दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड. दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड. यस इज इट क्लियर गाइस? हाँ समझ आया? वेरी गुड बेटा. वेरी गुड प्रीति. वेरी गुड मोहम्मद. वेरी गुड एवरीवन. वेरी गुड तानी तन्वी. वेरी गुड सुनील. वेरी गुड रिचा है ना बेटा. अमेजिंग.
ठीक है। तो ये गाइस अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कैसे कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। तो एक सार्कोमियर को कैन आई से इट इज मेड अप ऑफ हाफ एक्टिन वन मायोसिन एंड अगेन हाफ एक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ हाफ एक्टिन वन मायोसिन एंड अगेन हाफ एक्टिन, ठीक है गाइस। और जहां पे सिर्फ मायोसिन मायोसिन है उसको क्या कह रहे हैं हम, एच जोन। जहां पे मायोसिन इंट्रूड कर रहा है एक्टिन की एरिया में उसको कह रहे हैं हम ए जोन, और जहां पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन है दैट इज कॉल्ड एज आई जोन और द आई बैंड। यस गाइस, गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, ले रहे हो तो आई नो डायग्राम होती अगली सा है बट ठीक है चल जाएंगे। हाँ जी यस ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, इसको खत्म करते हैं ठीक है, ऑलमोस्ट डन। या तो देखते हैं ठीक है गाइस। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था स्केलेटल मसल होती है हमारी, मसल के अंदर क्या थे बंडल्स, मसल के अंदर क्या थे बंडल्स, और बंडल्स को क्या कहते हैं गाइस फैसिकल्स इज द नेम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्ड टुगेदर बाय फैसिया, फैसिया से वो साथ में अटैच रहते हैं मसल बंडल्स, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, यस गाइस ये देखो ये मसल है, मसल के अंदर फैसिकल्स हैं, देखोगे मसल के अंदर ये एक फैसिकल होगी, ये दूसरी फैसिकल, ये दूसरी फैसिकल है ना, फिर यहां से निकालोगे तो एक मसल फाइबर निकल रही है, मसल फाइबर के अंदर देखोगे तो छोटी छोटी फाइब्रिल्स है, मायो फाइब्रिल्स है, कहीं समझ आ रही है। मसल है, मसल के अंदर बंडल्स हैं, बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं, फाइबर्स के अंदर फाइब्रिल्स हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मसल फाइबर है ना, इसके इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम सार्कोलेमा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम सार्कोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं गाइस, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं सब में सार्को लगा दो, ठीक है सब में सार्को सार्को लगा दो ठीक है। यस वेरी गुड, ये क्या काम करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस, कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है, इसका फंक्शन हम देखेंगे कि कैल्शियम आयन स्टोर क्यों करना जरूरी है ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है हमारा कैल्शियम आयन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हम देखेंगे ठीक है। चलो वेरी गुड, सी अगेन अगर आप देखोगे गाइस ये जो कवरिंग है यह सार्कोलेमा इसके अंदर ठीक है, जो यहां पे साइटोप्लाज्म होगा दैट इज सार्कोप्लाज्म ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया ठीक है, इतना ज्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है हमें, हमें ये पता होना चाहिए फाइबर का कवरिंग है सार्कोलेमा साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो क्या है, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा सार्कोप्लाज्म क्या करता है, सार्कोप्लाज्म वो मीडियम है जिसमें मायोफाइब्रिल्स तैर रही है, और वो मीडियम है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर यू नो कैल्शियम आयंस हैं। आई वुड अंडरस्टैंड सार्कोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, सार्कोप्लाज्म बेटा साइटोप्लाज्म की तरह उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग ओके, लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना ये पढ़ के ठीक है, मतलब ये पढ़ के करना है वो डायग्राम से नहीं करना ठीक है। तो यस गाइस जैसे बता रहा था कि दे हैव पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, क्या है यहां पे हमारे पास पैरेलली अरेंज मसल फाइबर, हमने देखा गाइस समझ आ रही है ये फाइबर था, फाइबर के अंदर फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, आपको समझ आ रही है, ये फाइबर है ये फाइब्रिल्स है और फाइब्रिल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन ऐसे अरेंज्ड है। यस गाइस वेरी गुड है ना, तो मायोफाइब्रिल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड इनसाइड देम, मायोफाइब्रिल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड, अभी किसकी वजह से डार्क एंड लाइट क्यों है ये मायोफाइब्रिल्स मेरे, यस गाइस मायोफाइब्रिल्स डार्क एंड लाइट क्यों है, व्हाई आर दे डार्क एंड लाइट, तस्नीम सेज बिकॉज ऑफ सर एक्टिन, यस गाइस
Atiya says, sir, because of actin and myosin. There are two proteins present in the myofibrils called as actin and myosin. Uski wajah se ye hamari myofibril mein dark or light band aata hai. Very good yaar, bahut achhi baat hai. Aage dekhte hain. Phir humne dekha ki jo myofibrils hai hamari do tarah ki hai sir. Ek to actin hai jo isme light band ki kehte hain, jisko hum light band bhi kehte hain, aur I band bhi kehte hain. I band aur isotropic band, और इसको also called as thin filament. इसको क्या कहते हैं? Thin filament भी कहते हैं. Talking about myosin guys, ये हमारी है dark band, है ना, A band और anisotropic band और also known as thick filament. इसको क्या कहते हैं हम? Thick filament भी कहते हैं. Very good. Actin and myosin क्या है? ऐसे ही randomly नहीं पड़े हुए. They are always parallel to each other. मतलब ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम रहे. They are parallel to each other like this, है ना? They are parallel to each other. मतलब अच्छे से good boys की तरह, good boys and girls की तरह अपने अपने position पे बैठे हुए हैं. ठीक है, इधर उधर घूम फिर नहीं रहे. समझ आई? Yes guys, you understand? है ना? ठीक है. Even मैं भी imagine करता हूँ ये सब नाम किसने दिए होंगे. But it's okay, कोई बात नहीं. अब तो क्या ही करें. जब आप साइंटिस्ट बनोगे ना तो इजी नाम देना, ठीक है? चिंटू, मिंटू और व्हाटएवर. अच्छे तो हम देख रहे थे. हाँ जी, फिर हम देख रहे थे कि मायोसिन हमारा सेंटर में होता है. ठीक है, तो मायोसिन हमारा सेंटर में होता है, एक्टिन हमारा यहां पे होता है. बेसिकली गाइस हमने देखा था कि एक्टिन, ये जेड लाइन क्या होती है? जेड लाइन हमारी एक्टिन को डिवाइड करती है. एक्टिन येलो वाले यहां पे, जेड लाइन हमारी एक्टिन को डिवाइड करती है. ठीक है, और दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर. ठीक है, जहां पे सिर्फ मायोसिन मायोसिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं, जहां पे मायोसिन मायोसिन है. ठीक है, और जहां पे एक्टिन और मायोसिन एक्टिन की जगह पे जो इंट्रूड कर चुका है उसको क्या कहते हैं हम? यस गाइस, उसको क्या कहते हैं हम? जहां एक्टिन घुस जाता है मायोसिन की जगह पे, ए बैंड. सॉरी, मायोसिन घुस जाता है एक्टिन की जगह पे उसको हम कहते हैं ए बैंड, और जहां पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन होता है उसको हम कहते हैं आई बैंड. जहां पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन होता है वहां पे हम कहते हैं आई बैंड. समझ आ गई गाइस? है ना, देख रहे हो मायोफाइबर सेम ऐसा दिखता है. यस एवरीवन, क्लियर टिल हियर? समझ आया यहां तक? हिट द लाइक बटन गाइस इफ यू अंडरस्टूड टिल हियर. अमेजिंग यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड. हाँ जी, माइक बेटा, आप तो वो तो आप चेक करके बताना मुझे माइक्रोस्कोप से दिख रहा है कि नहीं. ठीक है, बट आप अभी तो ये बताओ कि आपको समझ आया यहां तक? हाँ जी, वेरी गुड यार, ग्रेट. आप लोग तो बहुत ही स्मार्ट हो जैसे मैं बताता हूँ, है ना? यस गाइस, चलो ठीक है, थोड़ा खत्म करते हैं इसको. वेल डन. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारा सेशन तो खत्म हो गया है. पहले अपने लिए क्लैप कर लो. यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. आप लोग 50 मिनट बैठे हो कंटिन्यूअसली और अपने मसल पढ़ा है मसल के बारे में. ठीक है, तो वेल डन गाइस, यू डिजर्व अ अप्लॉज. मतलब क्या बात है. हाँ, पढ़ाकू बच्चे हो आप लोग, है ना? यस गाइस, सो यू डेफिनेटली डिजर्व एन अप्लॉज. आप लोगों के लिए क्लैपिंग. ठीक है, अपने आप को पीठ थपथपाओ कि 50 मिनट तो आज हमने पढ़ लिए, आज दिन में 50 मिनट्स तो हमने पढ़ लिए. ठीक है, अभी बाकी और 3-4 घंटे ऐसे ही 50-50 मिनट के 2-3 सेशन कर लेना. तो यार 3-4 घंटा इन अ डे इज अ गुड थिंग, है ना? 3-4 घंटे इन अ डे इज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, कूल गाइस. तो और जैसे कि आपको पता ही है, ये हमारा जो फेवरेट चैनल है हम लोगों का सबका, 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है. ठीक है, जल्दी से इसको 10 लाख पे पहुंचा दो. अपने फ्रेंड्स को बताओ गाइस. गाइस अपने फ्रेंड्स को बताओ, जितना आप लोग दूसरों की हेल्प करोगे उतना ज्यादा, मतलब क्या होगा, भगवान आपके पॉइंट्स ऐड करता जाएगा. ठीक है, यू विल गेट समथिंग गुड इन रिटर्न, है ना? सो या बी सेल्फलेस, हेल्प अदर्स. अपने फ्रेंड्स को बताओ कि चैनल के बारे में कि कैसा आपको समझ आ रहा है. उनको नहीं समझ आ रहा तो उनको बोलो कि यहां पे देखें. ठीक है, समझने की कोशिश करें. ऑब्वियसली 100 में से 10-15 को समझ नहीं आएगा, 95 को तो जरूर आएगा. आई एम श्योर ऑफ दैट, है ना गाइस? तो
उन बच्चों की हेल्प होनी चाहिए जिनको नहीं समझ आ रहा कुछ पढ़ के, देयर आर अदर टीचर्स, वेरी गुड टीचर्स, बट हाँ अगर इनको नहीं समझ आता तो एक बार देखने के लिए बोल सकते हो उनको। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल गाइस, लाइक वाला हिट करो, ठीक है? देन यस आर स्क्वायर, हाँ जी, और गाइस ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है? एग्जैक्टली, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और हमारे साथ चलो, नीट को किल करते हैं थोड़ा आगे जाके, है ना, धोनी की तरह खेलते खेलते लास्ट में दो हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे और मैच विन कर लेंगे, है ना गाइस? टेक केयर गाइस, कीप स्माइलिंग, है ना, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी, है ना, हंसते हंसते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 50 मिनट हो गया गाइस, 50 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, 50 मिनट आपने कंटिन्यूअसली पढ़ा, इधर उधर देखे होंगे, मतलब इधर उधर देखा होगा, बट कंटिन्यूअसली पढ़ाई करी आपने 50 मिनट्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। टेक दिस लाइक मोमेंटम, फिजिक्स लेके चलो, अगला फिजिक्स सर का लेसन होगा, ठीक है? तो मोमेंटम के साथ बढ़ते जाओ एंड डू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं कल क्लास में। कूल गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, मतलब गुड आफ्टरनून अभी, तो फिर इवनिंग भी अच्छी करना, ठीक है? टेक केयर गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, बाय।